जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर और अन्य प्रतिष्ठानों के स्वामियों संचालकों को आदेशित किया है कि वे अपने दुकानों प्रतिष्ठानों पर रजिस्टर रखें, जिसमें सभी ग्राहकों के नाम, पता और मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा, देखिए सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर इसी टाइप का जो महकमा है, कहाँ अक्सर जनता आते हैं और उसी पे जो चूना पड़ता है वो तो तमाम चीज़ प्रयोग में आता है, यानी जो मानव का उस संक्रमण में आ सकता है, उसी के लिए अलग निर्देश हम लोग जारी किए हैं पहले से ही। वैसे जो भी आते हैं उनका सैनिटाइज कराना है, सोशल डिस्टेंसिंग हिसाब से बैठाना है। जो तौलियाँ, जो भी जो कंज्यूमेबल यूज़ होता है वो एक बार यूज़ होगा, जो किस व्यक्ति का यूज़ करते हैं उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। सीज़र और जो काटने के लिए जो यूज़ करने वाले चीज़ है उसी को ढंग से सैनिटाइज कराने के बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने एक निर्देश भी जारी किया, जो कितने भी ग्राहक आते हैं ब्यूटी पार्लर, स्पा और जो नाई का दुकान कहीं से भी, उन्हीं का एक रजिस्टर में मेंटेन करके नोट कर लें, ताकि वो आपको नहीं पता रहता है जो व्यक्ति आए हैं कहाँ से आए हैं। इनके से यदि संक्रमण होता है तो फिर हम तब ट्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति किसी सैलून में, किसी स्पा में पहुंच गया है, उनके वजह तो फिर स्पा संक्रमित होता है, तो फिर उसके बाद कितने लोग आए हैं वो सभी का हमें क्वारंटाइन करना पड़ता है, जाँच करना पड़ता है। ये आपके भले के लिए है, और केवल स्पा और जो इसी टाइप का महकमा नहीं है, बाकी भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, कितने तरह का वाणिज्य जो एस्टैब्लिशमेंट है, कहाँ जनसंख्या आने जाने के संभावना ज़्यादा है, वैसे मॉल है, वैसे होटल है, वैसे जो भी महकमा है, कहाँ जो लोग का फुटफॉल ज़्यादा है वहाँ भी इस रजिस्टर मेंटेन करने के लिए हम लोग निर्देश दिए थे, ताकि कहीं किसी समय में कुछ घटना होता तो उसी के हिसाब से हम जो कितने लोग संपर्क में आते हैं उन्हीं का हम बचा सकते हैं।